नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। विधायक मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत, ओरछा के जंगल में पड़ा मिला शव, सिर में चोट का निशान होने से लगाया जा रहा है हत्या का अंदाजा। मृतक अपने एक दोस्त फौजी नाम के व्यक्ति के फोन पर आए बुलावे पर पहुंचा था जंगल। मौके पर पहुंची पुलिस और FSL की टीम तहकीकात में जुटी है। वहीं FSL अधिकारी का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है, सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का कारण स्पष्ट हो सकेगा। दरअसल यह पूरा मामला पर्यटन क्षेत्र ओरछा के जंगल का है, जहां श्रीपुर गांव के वृंदावन यादव के पास आज सुबह करीब 9 बजे उसके दोस्त फौजी नामक युवक का फोन आया कि तुम मडोर के जंगल में पहुंचो, मैं भी दोपहर तक आता हूं। फोन आने के तुरंत बाद वृंदावन फौजी के बताए स्थान पर पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ यह तो जाँच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन आज दोपहर में लहूलुहान हालत में वृंदावन का शव मंडोर जंगल में पड़ा मिला। परिजनों का कहना है कि उसकी मौत कैसे हुई, किसकी संदिग्ध रंजिश थी, उसकी जानकारी हमें नहीं है, उसका दोस्त फौजी ही जाने। वहीं दूसरे मामले में जांच कर रहे FSL अधिकारी का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है, सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। दादा क्या नाम है आपका? राजाराम। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मृतक है ये आपका बेटा वृंदावन, हाँ, कब घर से गया था और कब आपको सूचना मिली कि ये खत्म हो गया? वृंदावन घर से गया था 9 बजे 8-9 बजे गौ सो हमने कहाँ जा रहे हैं, बोले फौजी भाई साहब का फोन आओ कि तुम जंगल में पहुँचो, हम DP साहब को अधिकारी उनको लो आके आ रहे हैं और बाप है 12 बजे 9 आ जाए हैं पचैना घाट। इसके बाद जे पहुँचने लगाया फोन 1-1.5 बजे के वृंदावन को फोन नहीं लग रहा था, दादा फोन कहाँ है वृंदावन, तो हमने कही लगाओ फोन तो वो लाए हैं तो कहा बात कहाँ नहीं लग रहा, सुबह नहीं लगाओ लगो फोन सुजी लोग मान लो 3-1 बजे की लगभग पहुँची। हमारे पास डिप्टी चार ही डिप्टी भर रखा, एक गांव को लड़का चौकीदार राजू गोलू इसलिए जो पहुँचे सुजी वहाँ गश्त देने लगे वही जगह आस पास चौकी की, तो इन लोगों को मिल गया तो जिनने हमें उतरे रास्ता में नहीं बताई थी, आने के थाने में जानकारी मिली कि लड़का ऐसा है सब इंद्रावन का ख़त्म होगा। आपको क्या लग रहा है कैसे क्या हुआ उसके साथ? अब हम ना बता पाए फौजी के साथ रखो कि किसे लड़ाई लड़ाई किसे बुराई करें थे कि कहा हम नहीं बता पाएंगे कि किसने किया किया, हमको तो जानकारी तय दही ही मिली। सर एक जो युवक की लाश मिली थी ओरछा के जंगल में, आपने उसको देखा तो क्या पाया सर, क्या लग रहा है आपको? अभी ओरछा थाना से TI साहब की तरफ सूचना मिली थी कि ऐसी ऐसी एक लाश मिली है सिंहपटक जंगल में, तो उसकी घटना से निश्चय तो हम इधर पे आए हुए थे। अभी सब PM में रखा हुआ है, तो PM में यहाँ पे सबका मुआयना अपन ने किया है और देखा है। अभी प्रथम दृष्टया जो है उस मृतक के सर पे बाईं तरफ एक चोट का निशान है, तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया यही है कि उसकी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के बार करने से उसकी हत्या हुई है, और बाकी PM और अभी हो जाएगा डॉक्टरों द्वारा तो और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी आखिर मौत का कारण क्या है।